उत्तर प्रदेश सरकार के स्वर्णिम 4 वर्ष पूरा होने के शुभ अवसर पर शुक्रवार को शाम को राप्ती तट स्थित श्री राम घाट से बाबा मुक्तेश्वर नाथ महादेव, माता आदिशक्ति, माँ गंगा राप्ती, माँ अचिरावती व माँ रोहिणी एवं गुरु गोरक्षनाथ महाराज की आरती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरती के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज के दीर्घायु होने की कामना की गई। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, बजरंग दल के प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी, जवाहरलाल कसौदन, योगेंद्रनाथ दुबे, विनय गौतम सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल व हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, यामि नै विद्यान्ते पञ्चवारणेयं जलं समर्पयामि। बड़ा वाला आरती वाला तरंगधारी सैला प्रचार गिरिराज गुआ बिदारी झंकारकारी हरिपादर जो पहाड़ी गंगा पुना तु सततम सुमता करोमि। छोड़ के प्रणाम कर लीजिए। रघुं सर्वगण गुं सतये आत्मा सने प्रयासने पशु सने लोक सन्न भय सने रे प्रला बहुला मे करोत्पन्नं पयोरे तु और कौन आएगा था? और कौन लेगा आरती? भैया हम लोग अभी आ जाए ये चलता रहेगा सब एक एक दिया आगे का उठा लीजिए। राप्ती नदी के तट पर श्री राम घाट पर शहर के एक जनमानस ने आरती समारोह मनाया है। ये समारोह मुख्यमंत्री योगी जी के 4 साल पूरे होने पर आज से यहाँ शुरू किया जा रहा है। भाजपा सरकार की उपलब्धियाँ जो है ये 10 साल में जो नहीं हुआ, 20 साल में जो नहीं हुआ, वो 4 साल में योगी जी ने करके दिखाया है। जिस घाट पर हम लोग आए हैं ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मुख्यमंत्री जी की देन है कि इतना सुंदर घाट शहरवासियों को उपलब्ध कराया है। इस कार्यक्रम में किराना कमेटी, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स, दवा विक्रेता समिति एवं विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों, हिंदू युवा वाहिनी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज का दृश्य बहुत ही मनोरम है। इस कार्यक्रम
को विशिष्ट रूप देने के लिए पीके मल जी ने इस आयोजन को आमंत्रित किया था। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परम पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के स्वर्णिम चार वर्ष पूरे हुए हैं और यह गोरखपुर के लिए गौरव का विषय तो है ही, उत्तर प्रदेश और भारत के लिए भी गौरव का विषय हो गया, क्योंकि एक सुशासन, एक अच्छे राजनेता और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक के रूप में पूज्य महाराज जी को उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए ऐसी मांग करते हैं, तो अपने आप के गर्व का विषय, हम लोग का सीना गर्व से फूलता है। आज उनके दीर्घायु होने के लिए हम लोगों ने बाबा मुक्तेश्वरनाथ जी से बाबा गोरखनाथ जी का आरती करते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की है। सरकार तो बनी रहे इसके लिए और उनके दीर्घायु के लिए, क्योंकि ऐसा सुशासन उत्तर प्रदेश एक मिसाल के रूप में अन्य राज्यों के लिए भी है और हर कई उपलब्धियां हमारे प्रथम होने की उत्तर प्रदेश की आई हैं और ये पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश का सुशासन। तो ये सरकार बनी रहे, पूज्य महाराज जी दीर्घायु हों और पूरे देश की जनता ये पसंद कर रही है, इसलिए हमें चाहते हैं सर।